नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल हमारा बिहार। एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है दरभंगा जिले से। जी हां, दरभंगा में आज 9 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से जिले में हड़कंप मच गया है। जी हां, आपको बता दें कि 3 दिन पहले भी एक ही दिन में दरभंगा में 14 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 30 हो चुकी थी। वहीं आज फिर से 9 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से अब उसकी संख्या 39 हो चुकी है। वहीं अगर दरभंगा जिले में स्वस्थ होने वाले मरीजों की बात करें तो कुल 8 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। आपको बता दें कि आज जो नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं वे सभी प्रवासी सेंटर के बताए जा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में उनका प्रवास स्थान था। आपको बता दें कि दरभंगा में जो मरीज पाए गए हैं वे सभी दरभंगा के विभिन्न स्थानों से बताए जा रहे हैं, वो जो कि दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के 3 हैं, वहीं बेनीपुर के 2 और गौरावराम के 2 और दरभंगा सदर के 1 और दरभंगा शहरी का भी 1 संक्रमित मरीज बताया जा रहा है। मरीजों के मिलने से दरभंगा शहर एक बार फिर संक्रमित के दायरे में आ चुका है, जिससे शहरवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। आपको बता दें कि मिलने वाले सभी पॉजिटिव मरीज घर जाने से पूर्व भी क्वारंटाइन सेंटर भेजे गए थे, जिस कारण सील होने से इलाका बच सकता है। दरभंगा शहर का संक्रमित मरीज के बारे में बताया जा रहा है कि वह 14 मई को मुंबई से लौटा था। उसका जिला स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में उसको ठहराया गया था, लेकिन फिर भी सभी पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में रहने वाले तथा साथ आने वालों की पहचान की जा रही है, इससे संक्रमण के खतरों का पता लगाया जा सके।